गुरुवार को यूपी सरकार का बजट पेश किया गया। बजट में सभी वर्गों का ध्यान दिया गया है। बजट में गांव और बुनियादी ढांचे के विकास, सांस्कृतिक गौशाला और धार्मिक पर्यटन पर काफ़ी जोर दिया गया। जहां व्यापारियों की बीमा राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है, वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। यूपी सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर जब कुछ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और व्यापारी संगठनों से बात की गई तो कुछ ने इस बजट को चुनावी बजट तो व्यापारी वर्ग ने इस बजट की सराहना की। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश यादव, चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय सिहानिया तथा समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने कहा, वास्तव में जब चुनाव के समय कोई बजट दिया जाता है तो पार्टी स्वयं फायदे के लिए इस कार्यक्रम को करती है और ये लगातार देखा जा रहा है कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है जिन्होंने 4.5 साल से ऊपर किस तरीके से लोगों के ऊपर बोझ डाला है। किसानों को ऊपर देख लीजिए, डीजल की कीमत दिन दूनी रात चौगुनी तो बढ़ी है। आखिर उस पर किसानों के ऊपर ही बोझ बना। किसान खेती करने वाले जो संसाधन है वो महंगे हुए। इन्होंने चोरी की, खादों में से चोरी की, 45 किलो की बोरी 45 किलो का कर दिया और आज भी उसको भी खाद वो उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। तमाम ऐसे बच्चों को आप देखिए, शिक्षित बच्चे बेरोजगार के तब से पढ़े हैं, आज भी बेरोजगार हैं। महिलाएं में सुरक्षा नहीं है। तमाम जो है इनके बजट केवल और केवल चुनावी बजट हैं। ये कोई धरती पे उतरने वाला बजट नहीं है। इनको वो है कि फिर ये सपने दिखा के फिर वो जनता को मूर्ख बनाकर सत्ता पाने की कोशिश इनकी है। और मैं इन लोगों को बता दूं कि जनता जान चुकी है, अब इनके छलावे में वो नहीं आएगी। जो ये बार बार कहा करते हैं कि ये चुनावी जुमला था, अब की जनता इनको बताएगी और जुमले का आज जो है जवाब जुमले में देगी। जनता जाएगी वोट डालने, लेकिन मैं बता दूं निश्चित तौर पे इनकी स्वयं की लोग, इनके स्वयं के लोग वो कांग्रेस पक्ष में जो है मतदान करेंगे और इनको बता देंगे कि जुमला किसको कहते हैं। अब 6,000 रुपया, इसके पहले उन्होंने क्या, क्यों राहुल गांधी ने जब पहले कह दिया कि हम सबको एक मजदूरी, हमारी मजदूरी न्यूनतम मजदूरी तय होगी, सबको मिलेगी, किसानों को हम वो देंगे, किसानों के कर्ज हमने माफ़ किया, 72,000 करोड़ रुपया हम लोगों ने माफ़ किया। हम लोगों की जैसे सरकार बनी मध्य प्रदेश में, हम लोगों ने माफ़ किया वहाँ किसानों का। हम कहने और करने में हमारे कोई फर्क नहीं है, इनकी कथनी और करनी में अंतर है। अगर किसी को मिला हो तो बताएं, हमें तो नहीं लगता। अभी शायद मोदी ने कहा कि मैंने कितने करोड़ बल्ब LED बल्ब दे दिए, अगर उसे एवरेज से देखा जाए तो हर 5वें व्यक्ति को वो बल्ब मिलना चाहिए। हम तो 50 लोगों की भीड़ थी, मैंने पूछा उसमें से किसी को मिला, किसी ने कहा नहीं। इनकी सारी चीज़ें केवल एक ख्वाबी पुलाव की तरह है, जो एक छोटा सा उसमें शहर है कि जो है रात भर एक माँ उबालती रही पत्थर, तमाम रात बच्चे फरेब खा के चटाई पे सो गए। तो बजट से राहत नहीं मिलने वाली है एकदम, और एकदम नहीं। टोटल बजट का चुनावी सब दे रहा है, चुनावी है ही है, उसमें कोई वो है छुपी हुई बात नहीं है। जनता जान रही है और ये स्वयं जान रहे हैं। बीजेपी के सारे नेताओं के चेहरे उतरे हुए लग रहे हैं, आप स्वयं उनको देख लें। जो चेहरा उनका पहले होता था वो चेहरा जैसे जैसे चुनाव आ रहा है धूमिल पड़ता जा रहा है। और चुनाव के दिन और जब वोटिंग हो जाएगी और जिस दिन गिनती होगी, इनके चेहरे देखने लायक नहीं रहेंगे और ये जनता से चेहरे छुपा के भाग जाएंगे। संजय सिंघानिया, अध्यक्ष चैम्बर ऑफ कॉमर्स गोरखपुर। व्यापारी वर्ग के लिए एक तो बीमा, जो दुर्घटना बीमा थी उसको 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख कर दिया गया है, और स्वास्थ्य बीमा है, स्वास्थ्य का बढ़ाया गया है, और रोड के लिए, हर चीज़ के लिए, विकास कार्यों के लिए धन दिया गया है, जिससे हमारे प्रदेश का विकास तो जहाँ होगा ही, और हमारे ज़िले के विकास के लिए भी काफ़ी धन दिया गया है और परमानेंट विकास हो रहा है हमारे क्षेत्र का। तारीफ़ काबिल बजट है ये। बजट बहुत बढ़िया है, जितनी सराहना की जाए कम है। बजट काफ़ी बढ़िया है, उमदा बजट कहा जाएगा इसको, टॉप बजट है ये। व्यापारी वर्ग के लिए देखा जी एस टी में राहत उत्तर प्रदेश सरकार ने देगी, केंद्र देगी, केंद्र परमानेंट दे रही है। जो GST में हमको राहत मिलनी है, उत्तर प्रदेश सरकार एक माध्यम है जो कि केंद्र ही हमको GST में राहत देगी, और राहत परमानेंट केंद्र भी इस समय दे रही है। पहले जो किया था डेली, जो नए नियम आ रहे हैं उसमें राहत मिल रही है व्यापारियों को, और आगे राहत मिलने की उम्मीद है। व्यापारी संतुष्ट, बहुत काफ़ी संतुष्ट हैं।
यूपी का बजट जन भावनाओं के विपरीत है, निराशाजनक है। इसमें न तो किसानों के लिए कोई बात कही गई और न तो रोजगार के लिए, जो बेरोजगार हमारे नौजवान हैं उनके लिए कोई बात नहीं कही गई, महिलाओं के सुरक्षा पर कोई बात नहीं कही गई। और यहाँ तक कि गोरखपुर मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में जो उच्चीकरण होना चाहिए और जो मेडिकल कॉलेज को चिकित्सा विश्वविद्यालय का दर्जा बनना चाहिए, वहाँ व्यवस्था ऐसी देनी चाहिए, उसके लिए भी कोई बात नहीं हुई। और कई चुनाव, माननीय मुख्यमंत्री जी, सांसद का चुनाव, कई चुनाव गोरखपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने के नाम पर लड़ते रहे हैं, वो केंद्रीय विश्वविद्यालय दर्जा के लिए भी कोई ऐसी बात नहीं की है कि इसमें जो कमियां हो उसको पूरा करके केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाया जाए। तो ऐसे में ये बजट निराशाजनक, घोर निराशाजनक और जन भावनाओं के विपरीत है।